और आज की जो केस स्टडी है वो यंग पेशेंट की है, लेकिन ये काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इन पेशेंट का फ्रंटल हेयर लॉस तो हुआ ही था, लेकिन इनका क्राउन एरिया से भी डेंसिटी कम होने लगी थी। इनका एक मेन कंसर्न था कि वहां पर भी इनको डेंसिटी चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है क्राउन एरिया जल्दी से खाली ना हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक और नई केस स्टडी के साथ आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और आज की जो केस स्टडी है वो यंग पेशेंट की है, लेकिन ये काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इन पेशेंट का फ्रंटल हेयर लॉस तो हुआ ही था, लेकिन इनका क्राउन एरिया भी गायब होने लगा था धीरे धीरे। क्राउन एरिया से भी डेंसिटी कम होने लगी थी और वहां पर भी बॉल्डनेस आने लगा था, स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है अच्छा खासा बॉल्डनेस क्राउन एरिया से भी। अगर हम कंपेयर करें इनकी एज के अकॉर्डिंग देखें तो इनका क्राउन एरिया से भी बॉल्डनेस स्टार्ट होने लगा है। तो इनकी क्राउन एरिया में भी डेंसिटी काफी ज्यादा कम हो गई थी, जो इनका एक मेन कंसर्न था कि वहां पर भी इनको डेंसिटी चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है क्राउन एरिया जल्दी से खाली ना हो और जल्दी से क्राउन एरिया में बॉल्डनेस ना आए। और फ्रंटल हेयर लॉस तो अच्छा खासा हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स के फ्रंटल हेयर लॉस पूरी तरीके से हो चुका है। और इसके बाद आपको हेयर लाइन मेकिंग की पिक्चर्स दिखाएंगे, उसमें आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा कि किस हद तक, किस लेवल तक इनका जो है वो फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका है। सो हेयर लाइन मेकिंग की आप लोग ये पिक्चर्स देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि आप खुद ही देखिए हेयर स्टाइल बनाना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी अपने बॉल्डनेस को छुपाने के लिए इन बालों से। और देख सकते हैं पूरी तरीके से बिल्कुल भी इस कंडीशन में हेयर स्टाइल बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। साइड से आप लोग देख सकते हैं कि साइड से हेयरलाइन अच्छी खासी रिसीड हो चुकी है। और क्राउन की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इनकी क्राउन में आपको थिनिंग नजर आ रही होगी और इसको भी कवर करना है। और आप लोग देखेंगे इसको किस तरीके से कवर किया जाता है आगे वीडियो में, कि ताकि जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है वो भी बचे रहे और क्राउन का जो रिजल्ट है वो भी बहुत बेहतरीन आए। सो अभी आप लोग देख रहे हैं आफ्टर ट्रिम आपको हेयरलाइन दिखाई जा रही है कि ट्रिम करने के बाद हेयरलाइन किस तरीके से दिखाई देती है। तो आप लोग देख सकते हैं टॉप का पार्ट, यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये इनके क्राउन एरिया है और इसके अंदर भी ग्राफ्स की प्लेसिंग की जाएगी अच्छे से ताकि जो थिनिंग है वहां पर अच्छी डेंसिटी दी जा सके। और फ्रंट से देख सकते हैं आप लोग, फ्रंट से नेचुरल हेयरलाइन, ज्यादा नीचे नहीं किया गया है हेयरलाइन को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लगे। ज्यादा नीचे करके हेयरलाइन आर्टिफिशियल लगती है, तो आप लोग देख सकते हैं टेंपल क्रिएशन नहीं किया गया है। सो आफ्टर सर्जरी के आप लोग कंडीशन देख सकते हैं। पहले मैं बता दूं, ये बैंडेज इनके फोरहेड पे लगाया गया है, इसको लगाने का एक रीजन ये है कि स्वेलिंग ज्यादा से ज्यादा मुंह पे ना आए और साइड से ही रिमूव हो जाए स्वेलिंग और फेस में कम स्वेलिंग रहे। आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से देख सकते हैं हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल पैटर्न, आपको आगे जब इनका रिजल्ट आएगा बहुत शानदार तो आपको देखने के लिए मिलेगा कितना नेचुरल इनका ट्रांसप्लांट हुआ है। बहुत शानदार कंडीशन है, आप लोग जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, डेंसिटी देखिए आप, ऑलमोस्ट जितनी ज्यादा डेंसिटी दी जा सकती थी उतनी ज्यादा दी गई है। और पैटर्न देखिए बिल्कुल नेचुरल लगा गया है, पिक्चर्स आपको जूम करके दिखाई जा रही है, आप लोग सिंगल्स देख सकते हैं और पैटर्न देखिए कि बिल्कुल नेचुरल लगेगा, एक आप पैटर्न देख पा रहे होंगे हेयरलाइन में। साइड से आप लोग हेयरलाइन देख सकते हैं और साइड से देख सकते हैं कि कितनी डेंसिटी इनको दी गई है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छी डेंसिटी जो एग्जिस्टिंग हेयर से मैच करे। यही एक हमारी नीड होती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो एग्जिस्टिंग हेयर से मैच करे और नेचुरल लगे ज्यादा से ज्यादा। और ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मैं आप लोगों को बार बार बताता आया हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से मेन फैक्टर है कि आपको नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने रिक्वायर्ड है और क्या आपके पास उतने ग्राफ्स डोनर एरिया में अवेलेबल है भी कि नहीं, और उन ग्राफ्स की आपकी क्वालिटी कैसी है, डोनर एरिया की क्वालिटी आपकी कैसी है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जिन पे रिजल्ट आपका डिपेंड करता है। और आफ्टर ऑल बाद में क्लिनिक पे तो डिपेंड करता ही है कि आपने किस क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। टॉप से आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, आप लोगों को क्राउन एरिया भी दिख रहा होगा, क्राउन एरिया में कम डेंसिटी दी गई है, क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ थिनिंग का इश्यू था और उसको रिजॉल्व करना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ इनका क्राउन एरिया में ग्राफ्स की प्लेसिंग की गई है और एग्जिस्टिंग हेयर्स भी बचाना इसमें एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, जो कि एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकता है कि एग्जिस्टिंग हेयर्स को भी बचाया जाए, जो थिन हेयर्स है उनको भी बचाया जाए और ग्राफ्स की प्लेसिंग भी करी जाए। सो आप लोग देख सकते हैं टॉप की कंडीशन, ऑलमोस्ट 3500 के आसपास इनको ग्राफ्स लगे हैं, क्योंकि फ्रंट में ही लगभग इनके 2000 ग्राफ लगे हैं और आप टॉप पे भी क्राउन एरिया में भी देख सकते हैं अच्छे खासे ग्राफ लगे हैं, 3 से 3500 के आसपास इनको ग्राफ लगे हैं। तो ये देखिए आपने इनकी आफ्टर सर्जरी की कंडीशन, ये आफ्टर 1 month की कंडीशन है, जिस टाइम पे पीआरपी लेने आए थे, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी कंडीशन है, अच्छी खासी डेंसिटी दिखाई दे रही है, शेडिंग फेस आया है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, हेयर लाइन क्लियरली विजिबल है, हेयर लाइन देख सकते हैं, हेयर लाइन का एक मेजर इशू था जो कि पूरी तरीके से रिजॉल्व हो चुका है, हेयर लाइन प्रॉपर एक नेचुरल हेयर लाइन दिखाई दे रही है। साइड से आप लोग देख सकते हैं टेंपल्स जो इनके एग्जिस्टिंग थे
के पहले से वो हेयर लाइन के साथ कितने परफेक्टली मैच कर रहे हैं। तो हेयर लाइन ऐसे ही डिजाइन की जाती है कि आपके टेम्पल्स हेयर लाइन एक मिलके दोनों एक एंगुलेशन बनाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए, वो भद्दा नहीं दिखना चाहिए। टॉप से आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, आप लोगों को ये डॉट्स दिख रहे होंगे रेड रेड, तो इन्होंने जस्ट पीआरपी के बाद की ये फोटोज है, इनकी फोटोग्राफ क्लिक करी गई थी और शेडिंग फेस आया है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। सो अब आप लोग देख रहे हैं 4 महीने की कंडीशन, 4 महीने की बहुत ही लाजवाब कंडीशन है। आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी हेयर ग्रोथ है 4 महीने के अकॉर्डिंग अगर देखूं, क्योंकि जनरली 4 महीने तक डॉक्टर आपको, आप किसी भी क्लिनिक में जाइए वो आपको नहीं बोलेंगे कि 4 महीने 5 महीने में आपका रिजल्ट आएगा, वो बोलेंगे कि रिजल्ट आने में 1 साल लगता है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 6-8 महीने में एक अच्छा खासा विजिबल रिजल्ट आ जाता है, उन्हीं केसेस में से एक ये केस है कि इसमें भी रिजल्ट जो है वो जल्दी आया है। 4 महीने की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं बहुत शानदार है, हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल लग रही है और हेयर स्टाइल भी बहुत सूट कर रहा है। साइड से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन, कोई देख के नहीं बोल सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। टेम्पल्स देखिए, इनके एग्जिस्टिंग सैंपल्स पहले से ही थे, टेम्पल्स नहीं लगे थे तो वो हेयर लाइन के साथ मैच कर रहे हैं। और आप लोग क्राउन की कंडीशन भी देखिए कि पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है क्राउन में, और अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए है। आप लोगों को कंपेयर कर सकते हैं कि पुराना इनका क्राउन में कितनी ज्यादा थिनिंग थी, ये कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है पहले से और डेंसिटी बिल्कुल इनके क्राउन में बढ़ी है। डोनर एरिया आप लोग देख सकते हैं, डोनर एरिया बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इनके 6 महीने की कंडीशन की, अभी इनका रिजल्ट और आना बाकी है लेकिन 6 महीने में ही इस तरीके का रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट है, और ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास एक अच्छा डोनर एरिया हो और आपके ग्राफ्स की क्वालिटी अच्छी हो और आप एक अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। अभी तो आप लोग देख सकते हो बालों की ग्रोथ बहुत शानदार, बिल्कुल एकदम परफेक्ट 6 महीने के हिसाब से, और अब इनका रिजल्ट थोड़ा और आना बाकी है लेकिन ये रिजल्ट बिल्कुल देख के कोई नहीं बता पाएगा कि ट्रांसप्लांट करवाया है। 6 महीने में ही बहुत शानदार विजिबल रिजल्ट है, एग्जिस्टिंग हेयर्स थे पूरी तरीके से मैच कर रहा है इनका जो फ्रंटल पार्ट में जहां पर ट्रांसप्लांट हुआ था, आप लोग देख सकते हैं हेयरलाइन। साइड से आप लोग हेयरलाइन देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल, 6 महीने का ये रिजल्ट आप लोगों को शो कर रहा हूं और बहुत शानदार रिजल्ट 6 महीने के हिसाब से। टॉप से आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, टॉप से जो इनका क्राउन एरिया की थिनिंग दिख रही थी वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है, ना के बराबर है, मैं तो ये कहूंगा है ही नहीं इस वक्त तो। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल डेंसिटी बहुत भर भर के डेंसिटी जितनी दी जा सकती थी, जितनी पॉसिबल है उतनी डेंसिटी दी गई है और वो पूरी तरीके से एग्जिस्टिंग हेयर्स के साथ मैच कर रही है। अब देखिए इन्होंने हेयर बैंड लगाया है और जूम करके आपको पिक्चर्स दिखाई जा रही है, आप लोग देखिए कितनी ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन है। बिल्कुल कई हेयर लाइन ऐसी देखी है मैंने जो बिल्कुल फेंसिंग लगती है, ठीक है, बहुत आर्टिफिशियल लगती है, जहाँ पर डबल ट्रिपल ग्राफ्स का यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पर सिंगल्स का यूज किया था और यही आपकी हेयर लाइन को नेचुरल लुक देता है। और पैटर्न किस तरीके का यूज किया गया है हेयर लाइन बनाने में, ये भी एक नेचुरल लुक देता है। हेयर लाइन कितनी ज्यादा नीचे बनाई है, कितनी ऊपर बनाई है, ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से किस जगह सूट करेगी, तो ये सारी चीजें एक नेचुरल हेयर लाइन का लुक देती है। आप लोग देख सकते हैं बहुत शानदार हेयर लाइन, बिल्कुल देख के नहीं लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। साइड से भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल टेम्पल्स इनके एग्जिस्टिंग ऑलरेडी थे और उसके साथ हेयर लाइन पूरी तरीके से मैच कर रही है। टॉप से आप लोग देख सकते हैं डेंसिटी बहुत अच्छी है, बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ओवरऑल बहुत शानदार रिजल्ट 6 महीने में सिर्फ, और अभी और थोड़ा बहुत रिजल्ट आना बाकी है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और डिफरेंट टाइप की केस स्टडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।